ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस अध्याय की जो प्रश्नावली है 3.3, वो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 3.2, 3.1, ये हमने पूरे क्वेश्चन इन सभी के कर लिए हैं पूरे, है ना। और उससे भी पहले मैंने आपको इस अध्याय से संबंधित एक एक नंबर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने करवाए हैं आपको। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर अच्छे से देख सकते हैं, और मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी अपन बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ओपन करते हैं तो शुरुआत वहीं से होती है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से। और यदि वो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं तो अपनों को एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या होता है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अपनों को एक एक नंबर के क्वेश्चन को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये पहला है प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छे से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, जो भी आपको अच्छी लगे वो आपको बता देनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को दो समीकरण दे रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y=4। ठीक है, तो पहले अपने को विलोपन विधि का नाम दिया हुआ है तो विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे पहली समीकरण है मेरी x प्लस वाई बराबर 5, ये पहली समीकरण है, और दूसरी समीकरण है मेरी 2x-3y=4, ये दूसरी समीकरण है। अब देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ 2x है, यहाँ पे एक अक्ष ही है, एक ही अक्ष है, x से आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो क्या मैं इस समीकरण एक को 2 से गुणा कर दूं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 2x, यहाँ 2y और यहाँ 10 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x बना लूँगा, या तो एक तरीका तो ये, या फिर आप y को सेम बना लो। तो इस विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, या तो दोनों समीकरण में x के मान को सेम बना दो, x को सेम बना दो, या फिर y के मान को सेम बना दो। ठीक है, ये करते हैं अपन, दोनों में से एक को सेम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एक्स को सेम बनाऊँगा, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बनाऊँगा। अब इस समीकरण में मैं 2x बनाने के लिए क्या करूँगा, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा मैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखना आगे, अब समीकरण एक है अपनी x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब मैं इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर रहा हूँ, 2 से, तो ये गुणा 2। ठीक है, अब देखो 2 को x से करूँगा तो 2x प्लस 2 को y से करूँगा तो 2y बराबर 2 को 5 से करूँगा तो 10। ठीक है, ये समीकरण एक को अपनों ने 2 से कर दिया, ये जो नई प्राप्त हुई अपनों को, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। ठीक है, अब वापस समीकरण एक, सॉरी समीकरण 2 को ले लेते हैं अपन, तो इसको ऐसा करो समीकरण एक ही नाम दे देते हैं, क्योंकि एक से ही बनाए अपनों ने, तो समीकरण एक ही रखो इसको। अब दूसरी समीकरण लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2x-3y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण अपन क्या है, दूसरी। अब देखो कुछ नहीं करूँगा मैं, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, तो यहाँ घटाऊंगा तो यहाँ क्या करूँगा मैं, चिन्ह को चेंज कर दूंगा। समीकरण एक में से समीकरण 2 क्या करूँगा, घटाऊंगा, जैसे घटाऊंगा ना तो यहाँ पे देखो 2x के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके आगे किसी का चिन्ह नहीं था तो किसका, प्लस का, तो ये किसका हो गया, माइनस का। ये देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, यहाँ देखो देखो 2x किसका है, प्लस का,
ये 2x किसका है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2y में देखो 2y प्लस का है, 3y भी किसका है, प्लस का, तो 2y और 3y कितने हो जाएंगे, 5y, बराबर का चिन्ह। देखो 10 किसका है, प्लस का, 4 किसका है, माइनस का, 10 में से 4 घटा तो कितने बचेंगे, 6, तो y बराबर आ जाएगा अपना 6/5। y का मान कितना आ गया, 6/5। ठीक, अब देखो ये तो अपनों ने x का मान सेम बनाया है ना, अब देखो y का मान भी सेम बना लेते हैं। अब देखो वापस समझना, अब देखो मैं क्या करूँगा y को सेम बनाने के लिए, अब वापस समझना इस समीकरण को। देखो ये दोनों समीकरण अपने, अब देखो y को यहाँ 3y है, वो भी किसका है, माइनस का, तो मुझे इस y को 3y बनाना, वो भी किसका, माइनस का, तो इस पहले समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूंगा, -3y से। ठीक है, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, समीकरण एक को -3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है अपनी, x प्लस वाई बराबर 5। अब इस पूरी को मैं गुणा कर रहा हूँ -3 से, है ना, तो 3 को एक्स से किया तो 3x, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर माइनस को प्लस से गुणा करें तो माइनस, 3 को वाई से किया तो 3y बराबर, 5 को 3 से करेंगे तो 15, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, अब देखो ये अपनी समीकरण, वापस इसको नाम दे दो पहली, क्योंकि पहली से गुणा किया अपनों ने, तो पहली नाम दे दो। अब दूसरी समीकरण क्या है अपनी, 2x-3y बराबर 4, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखो वापस मैं क्या करूँगा, पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाने पर, अब पहली समीकरण में से मैं क्या करूँगा, दूसरी समीकरण को घटाऊँगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जैसे 2x के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 3y के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब समझना, देखो 3x- का, 2x- का, तो ये आ जाएगा माइनस के 5x, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, एक्स है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब तो यहाँ पे समझना, 3y किसका है, माइनस का, और 3y किसका है, प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 बन जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे समझना, -15 और -4, तो ये कितने हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह, माइनस के 19। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा अपना, अब यहाँ समझो आप, अब देखो ये 5 इसे एक्स से गुणा में है। ठीक है, 5 क्या है, एक्स से गुणा में, तो मुझे तो एक्स का मान चाहिए, तो ये 5 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो एक्स बराबर आ जाएगा अपना 19/5। तो अपनों ने एक्स का मान भी निकाल लिया, वाई का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब जो ये जो अपनों ने किया ना, ये सारा मैंने समीकरण, मतलब एक्स का मान सेम बनाया, वाई का मान सेम बनाया, तो ये कौन सी विधि है, ये जो किया ना मैंने, ये विलोपन विधि से किया। ये कौन सी विधि से किया, विलोपन विधि से। कौन सी विधि थी ये जो थी अपनी, विलोपन विधि। कौन सी विधि, यहाँ लिख देता हूँ, ये विलोपन विधि से सोल्व किया, विलोपन विधि से सरल किया। ठीक है, तो ये जो अपनों ने एक्स और वाई का मान निकाला, ये किस विधि से निकाला है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो इस विलोपन विधि में क्या होता है कि अपन यदि एक्स का मान निकाल रहे हैं तो वाई के मान को सेम बना लो, यदि वाई का मान निकाल रहे हैं तो एक्स के मान को सेम बना लो, और फिर समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दो, तो उससे एक अनेक कोई मान निकल जाएगा अपना। अब ये तो अपनों ने विलोपन विधि से एक्स और वाई के मान निकाल लिए, अब अपन प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान निकालते हैं। तो देखो आई होप आप अपनों ने अभी तक कुछ कोई गलती नहीं की होगी, है ना। अब देखो अपने पास समीकरण एक है अपनी, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक है, और 2x-3y बराबर 4, ये समीकरण दो है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, x+y=5। अब देखो ये y प्लस का है, तो मैं इधर भेजूंगा बराबर की साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 5
ये वाई इधर आया तो किसको किया, माइनस का, तो एक्स का मान कितना किया अपना 5 माइनस वाई है ना। अदो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर ठीक है, तो समीकरण दो में रख रहा हूँ, समीकरण दो क्या है अपनी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो ये दो ऐसा कैसे, x की जगह क्या रखा मैंने, इस x की जगह रखा हूँ मैं 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई ये माइनस 3y बराबर 4। अब देखो दो 5 से गुणा होंगे तो 5 दो ना 10, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, दो को y से करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4 ठीक। आगे समझो, देखो 2y और 3y कितने हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह है दोनों के आगे, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2y और 3y 5y, इधर आगे 10 है तो 10 बराबर 4। अब देखो इस 4 को तो मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 5y माइनस का इसको इधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 माइनस 4 बराबर 5y। देखो मैंने क्या किया, ये 10 4 था प्लस का, इसको इधर लाया तो किसका हो गया माइनस का, 5y किसका था माइनस का, इसको बराबर के इधर लाया तो किसका हो गया प्लस का, 10 में से 4 घटाया 6 बराबर 5y। अब y और 5 के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, मुझे निकालना है y का मान, तो y का मान निकालना है 5 गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना, ये 5 गुणा में था तो कहाँ चल गया भाग में, तो 6/5, तो y का मान आ गया अपना 6/5। देखो इधर भी y का मान 6/5, इधर भी y का मान 6/5 ठीक है, मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यदि मान अपने सही आ रहे हैं तो सही कर रहे हैं अपन, है ना। अब देखो ये y का मान आ गया अपना, अब y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रखने पर, है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर ठीक है, किसी में भी रख दो, तो कोई सी भी ले लो आप, आपकी मर्जी है ना। तो मैं लिख रहा हूँ पहली समीकरण ले लेता हूँ मैं ना, तो x प्लस वाई बराबर है अपना 5, अब y का मान रख रहा हूँ तो x प्लस वाई का मान कितना है 6/5, तो ये 6/5 बराबर 5। अब देखो ये 6/5 किसका है प्लस का, बराबर के ले जाऊँगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 5 माइनस 6/5। अब देखो इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो इन दोनों का सोल्व करने के लिए मैं लघुत्तम लूँगा 1 और 5 का, तो 1 और 5 से गुणा किया तो 1 और 5 को गुणा किया तो 5, अब ये 5 तो इधर गुणा हो जाएगा और ये 1 इधर गुणा हो जाएगा, 5 को 5 से किया तो 25 माइनस का चिन्ह माइनस, 1 को 6 से किया तो 6 ठीक है, एक्स बराबर आ रहा है, 25 में 6 घटाओ तो कितना बचेंगे 19, और नीचे क्या जाएगा 5 ठीक है। तो देखो एक्स का मान यहाँ पे 19/5 आ रहा था, यहाँ भी 19/5 ठीक है। तो ये जो अपनों ने सोल्व किया है ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ठीक। अब देखो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अब मुझे है ना ये दोनों विधियाँ पसंद है, कोई सी भी ख़राब नहीं है, मुझे दोनों अच्छी लगती है, कभी कभी इस विधि से भी आसानी से सोल्व हो जाता है, कभी कभी इस विधि से भी आसानी से सोल्व हो जाता है, पर इसमें लिखना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई गलत नहीं मानेगा, आपको दो ही पसंद है तो आप दो भी लिख सकते हैं, मुझे दोनों विधि पसंद है ठीक है। तो आई मुझे तो दोनों विधि पसंद है ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों विधि पसंद आई होगी ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मुझे दोनों विधि पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है इसमें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू बाय।